बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पिछले 4 दिनों में आज तीसरा दिन और आज फिर से व्लॉग कर रहा हूँ, तो मतलब कह लो कि ऑलमोस्ट डेली व्लॉगिंग हो रही है। लेकिन चक्कर ये है कि व्लॉग एडिट करने में ना मैं बहुत सुस्त हूँ, बहुत ज़्यादा सुस्त हूँ, जिस वजह से व्लॉग आते हैं मेरे लेट। लेट से मुराद अभी लास्ट व्लॉग, उसके लिए सॉरी, मेरा व्लॉग ऑलमोस्ट 4 दिन बाद आया, लेकिन अब इंशाल्लाह एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब मैं अभी तक पिछले 4 दिनों में 3 दिन मैं कर रहा हूँ सही तरीके से बिल्कुल ब्लॉगिंग ना। लेकिन बात यह कि एडिट करने का दिल नहीं कर रहा होता, इतना लंबा कौन यार वो सब सारा ना, तो ये माहौल है। तो अभी उठ चुके हैं सहरी में, आज फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, चल के ज़रा टाइम शाइम देखें, टाइम शाइम क्या हो रहा है यार, टाइम हो रहा है तो वही 3:35, और ये है आपका भाई। सारे गेट वेट खोल दिए थे क्योंकि हब्स वगैरह हो जाता है ना, इसलिए गेट वेट खोल दिए थे और पंखा बंद करके बात करनी पड़ रही है क्योंकि फिर आवाज़ नहीं जाती। हाँ तो भाई, तो माहौल अभी कुछ यूँ है, आप तो भाई उठकर आगे बैठ चुके हैं लॉन्च में, मम्मी बना रही है सैरी और मैं ट्रांसमिशन देखता हूँ, हंसी मजा भी है। यहाँ पर शानेर चल रहा होता है वो देख रहा हूँ, थोड़ी देर में थोड़ा आहिस्ता बोलना पड़ रहा है क्योंकि वापस हो रहे हैं और ना फिर सबको आवाज़ हो जाएगी। तो ये माहौल है सारा, टाइम ऑलमोस्ट 4:15 हो रहा है, अभी 1 घंटा है सैरी में, सुकून से करेंगे सुकून से। ये माहौल है, फिर सैरी दिखाता हूँ मैं। ये सैरी वैरी आ चुकी है, आ जाए कबाब और साथ में दही और ये चटनी और ये मिठाई उठाई है। सहरी कर लेते हैं जल्दी से चल के, अभी से नहीं जाना शुरू हो गया यार मुझे तो भाई चल के कर लेते हैं सहरी, फिर सहरी करने के बाद मिलता हूँ मैं। ओके ओके। A few moments later. हाँ भाई, तो सहरी वहरी कर ली है, अभी आपको भाई ने खुद बनाई है लस्सी, लस्सी देख लो, ओए होए होए होए, फुल मलाई वाली मार करना, हाय हाय मजा आ गया भाई, मजा आया, मजेदार 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 मजेदार। अच्छा, मैं पिछले 4 दिन में जो व्लॉगिंग में कर रहा हूँ ना तकरीबन डेली, उसके अंदर मैं ये चीज नोट कर रहा हूँ, मैं लस्सी पी रहा हूँ, मतलब 3 व्लॉग्स से लगातार सहरी में लस्सी, हाय हाय मजा ही अलग है भाई। तो भाई ज़रा मैं लस्सी वस्सी पीने के बाद ना सहरी वहरी करके नमाज नमाज पढ़ने के बाद मिलता हूँ, और फ़ोन भी चार्ज कर लूँ जब तक ना, अपना यार बैटरी भी बड़ी कम हुई है, 20 होने वाली है, फ़ोन भी चार्ज करते हैं, सब कुछ करते हैं, अब तक मैं ज़रा लस्सी वस्सी पी रहा हूँ, फिर सहरी के बाद बात करते हैं। ओके हो गया। हाँ तो भाई, नमाज नमाज पढ़कर फारिग हो चुका हूँ और माहौल कुछ यूँ है कि सुबह मैंने जाना भी है, मतलब सुबह होती है 1 बजे दोपहर के टाइम पर नमाज पढ़ना होगा, फिर रेडी शेडी होके क्योंकि अवतार है स्कूल बॉयज़ के साथ कल हमारी, तो उधर जाना होगा, तो अभी चलते हैं सोने, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे सुबह उठ कर। ओके हो गया। 346 minutes later। हाँ तो भाई, माहौल कुछ यूँ है, सोकर उठ चुका हूँ अभी, जोहर की नमाज वगैरह पढ़ ली, सब कुछ हो गया, और देख सकते हो दोपहर का टाइम हो रहा है बिल्कुल ना पूरा, और गर्मी हो रही है कि नहीं बाहर जाकर चेक करें क्योंकि अंदर है तो हमें तो पता ही नहीं गर्मी हो रही है कि नहीं हो रही। नॉट दैट मच गर्मी, बस सही है यार, सही जा रहे हैं अभी तक, शुरू के थोड़ा सा ज़रा सही गर्मी वाले रमज़ान गुजरे थे, लेकिन अभी जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, मतलब सही है, फील नहीं हो रही, तपिश फील होती है ना आपको वो इतनी नहीं हो रही अभी ना, अंदर ही आ जाते हैं इज्जत के साथ। बाकी ये सारा माहौल है अपना, और मुझे शाम में तरह जाना है, मैंने बताया था स्कूल बॉयज़ के साथ अपनी अफ्तार है तो जाना है, और अभी समझ नहीं आ रहा कपड़े वगैरह क्या पहने यार, तो देखते हैं ज़रा कपड़े वगैरह भी निकालते हैं। ओके। अच्छा तो यार माहौल कुछ यूँ है कि मैंने ना दोस्त वगैरह बात करी हुई, हमें जाना बहुत दूर था, तो माहौल कुछ यूँ था कि मैंने पहले सोचा यार कि नहीं जाते, क्या करें क्या नहीं करें, दोस्त ने बोला भाई चल लो, मैंने कहा चलो भाई फिर चलते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा यार कपड़े क्या पहनूं मुझे, और आधे घंटे मैंने दोस्त के घर भी पहुंचना है, नमाज भी पढ़नी है, सारे काम करने हैं, कपड़े वगैरह निकाल लूँ मैं, तो यार यहाँ पर मैंने कुछ अभी शर्टें शुटें निकाली हैं ये सारी, इनमें से ये, लेकिन मुझे ये समझ आ रही थी पहने क्योंकि मुझे ये समझ आ रही थी क्योंकि मैंने पहनी हुई भी अभी टाइप की, तो मैंने सोचा यार आज फिर एक बार ये ट्राई कर लेते, लेकिन मसला ये है
अभी मैंने चेक किया, मुझे दो मिली, एक भी नहीं दो सेम कलर की। लेकिन अब मैं इसमें पता है क्या चीज़ चेक कर रहा हूँ, इनको उठा के यार ये जो है ना एक साइज़ की है, या इनमें से आप कुछ में सी नहीं है, जो इनकी ये है ना कॉलर्स वगैरह कुछ में टाइट हुई भी है, कुछ में बहुत ज़्यादा लूज है। तो भाई चूज कर लिया है कि शर्ट हम ये पहन रहे हैं, तो चलो ये पहन कर ही मिलते हैं फिर, ये बात मिलते हैं फिर। ओके हो गया, कोई माहौल कुछ हुआ, शर्ट वर्ट भी चेंज कर ली, नमाज वगैरह भी पढ़ ली थी, और अभी तो खैर रोजे में टाइम है काफ़ी और मैं दूर जाना है, तो अभी जा रहा हूँ मैं दोस्त के घर। आज आप लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा नई शक्लें देखने को मिलेंगी, अभी चलते हैं, ज़रा जूते शूते पहन लूँ मैं। ये पहन जल्दी 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 दिए, जब आपके एक हाथ में ब्लॉग हो और एक हाथ से आपको पहनना पड़े। जल्दी जल्दी, पहले ही लेट हो चुका हूँ, दोस्त की कॉलें आ चुकी हैं, भाई जल्दी पहुँचो निकलना है। जल्दी 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 जल्दी, ये सब हो गया, निकल रहा हूँ मैं भाई, टाइम हो चुका है पौने छः और निकलने की कर रहा हूँ मैं, पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं, दोस्त गुस्सा करते हैं भाई, तो अब सीधा मुलाकात करता हूँ दोस्त के घर, पहुँचे हुए बाहर मोबाइल यूज़ करना सेफ नहीं है। हाँ तो भाई माहौल अभी है, एक दोस्त के घर आ चुका हूँ, अब दोस्त भाई हमारे आए तो पहले नीचे, फिर यहाँ से इसके साथ बाइक पे बैठ के दूसरे दोस्त के घर, वहाँ से गाड़ी में ऑल द वे दूर जाना है भाई गुलशन। तो ये माहौल है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल से। मैं ऑलमोस्ट जो है ना तकरीबन 3 से 4 महीने बाद मुलाकात हो रही है हमारी, नहीं 3 से 4 1 महीना भाई क्या हो गया, 3-4 महीने बाद मुलाकात हो रही है, वो भी एक दोस्त ने अफ्तार पे सारे स्कूल के दोस्तों को बुला लिया, वरना ये भाई तो भाई शक्ल दिखाते ही नहीं, बिजी लोग हैं सारे, बिजी है सर, आपके पास टाइम ही नहीं होता यार, अब क्या कर सकते हैं, खैर वैसी देर हो रही है, अब दूसरे दोस्त के घर चल के मिलते हैं। तो अभी माहौल कुछ यूँ है, दूसरे दोस्त के घर आ चुके हैं यहाँ पे हमारे अली भाई, सब आज आपको नई नई शक्लें देखने को मिलेंगी, उसके बाद फिर अभी बाकी दोस्त भी आ रहे हैं, फिर निकलना ही होगा, ये माहौल है अभी तक का यार। दोस्त हमारा आ गया है गाड़ी लेके बड़ी देर बाद, 6:30 हो रहे हैं अभी, और अब जाकर निकल रहे हैं, रास्ते में खुलेगा आज तो होगा, कुछ यूँ निकल चुके हैं अभी, और हम 6-7 लोग आराम भाई आगे, एक हमारे ड्राइवर और ये हमारे अल्ताफ भाई पीछे, हैकर, मिस्टर हैकर, तो 6-7 लोग और हैं, वो अलग अलग जा रहे हैं, अब देखो पहुंच पाते हैं रास्ते में, रोजा खोलेंगे हम, देखो क्या होता है। रोजा खोलने में तकरीबन 15 से 20 मिनट रह गए, और अभी हम लोग चढ़ गए हैं हाईवे पे। क्या हुआ, व्लॉग चल रहा है, कुछ भी स्नैप बन रही है, प्रणाम भाई सबकी स्नैप है, भाई नीचे को चुका है अनस भाई, अरे ये क्यों बैठा भाई यहाँ पे, 2 मिनट रहते हैं घर नहीं पहुंचे, और रोजा ना खुलने ही वाला है भाई, खुल चुका है वरके यार, अंधेरा हो चुका है, रास्ते से पकड़ते हैं खजूर और पानी शानी, कुछ है कैमरा शायद खुला है क्या, नहीं यार यार नहीं पता भाई, एक सेकंड तमीज से बात करो, ब्लॉगर हूँ ठीक है ना भाई, सॉरी यार माजरत, एक मिनट टाइम देखो, चलो भाई रोजा खुल चुका, खाते हैं, खुल गया ना, बाकी वेट करो, अंधेरा होने का थोड़ा सा वेट कर लिया जाए, आवाज नहीं आ रही, का वाली कदा कल तो वाला रिस्की का कर दो, खुल चुका है भाई, 59 हो गए, खुल गया है, खुल गया भाई, जल्दी खोलो, एक बोतल निकल रही तुमसे, हटो टांगे दबाओ, इतनी ठंडी बोतल मैंने तो क्या, अच्छा सॉरी, बहुत ठंडी बोतल, भाई इसने पूरी खजूर खा ली, हमने रास्ते 3 खजूरें मिली, 6 बंदे हैं, आधी आधी बांट रहे थे, बोले खजूर दे यार भैया, खजूर दे दोगे यार, रोना खुलने खजूर दे दो यार, पैसे भी दे दो हमें, यार अभी यहाँ पर रुके हैं, दोस्त कॉलर की लोकेशन पूछी है, ऑलमोस्ट सारे पहली बार ही आ रहे हैं इधर, तो भाई जमात वमात चल रही है बिल्कुल, अब चल के नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद बात होती है। A few moments later. यार व्लॉग बस ऐसे ही चल रहे हैं, और बताओ सब सेट है, तो यार अभी बस ये मस्जिद ही ढूंढ रहे हैं इधर गलियों के अंदर, लेकिन पता नहीं किधर है, कब से हमारे भाई चलाए पे चलाए जा रहे हैं, और मस्जिद मिलकर नहीं दे रही हमें, सिर्फ एक खजूर और पानी से रोजा खोला हुआ है, वो भी गाड़ी में, यार इतना चलने के बाद एट दी एंड सारे बॉयज जो है ना थक हार कर खाना खाने बैठ गए थे यहाँ पे। 2 hours later. ओ भाई घर आ गया हूँ। ओ आमा चालो तुम शोर। हाँ तो भाई माहौल अभी यूँ है, घर अभी अभी पहुंचा हूँ बिल्कुल, अब बस नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, स्टार्ट हो चुकी है, निकल रहा हूँ जल्दी जल्दी, उधर ज्यादा व्लॉग नहीं कर सका, बहुत कम किया है, इतना ज्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि हम लोग रोजा हमारा रास्ते में खुल गया था, लेट पहुंचे हम लोग, फिर वहाँ पर जाके बस खाना वाना हुआ, और बस
और बस यही है, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज पढ़ के बड़ा कद होती है फिर। हाँ तो भाई माहौल कुछ यूँ है कि नमाज पढ़कर आ गया था, सारे काम उधर फारे हो गए, और माहौल कुछ यूँ है कि सिर्फ बिरयानी खाई थी और अभी दोबारा से भूख लग रही है। चलते हैं थोड़ा बहुत अफ्तारी अफ्तारी खाते हैं, क्योंकि अफ्तारी में जब वो अफ्तार वाली चीज़ें ना मिले ना पहले, क्योंकि हम पहले लेट हो गए थे, वहाँ पर जब पहुँचे तो हम लोग फिर बस जूस वूस पिया और पानी वानी पी के नमाज पढ़ने चले गए थे। वहाँ से आने के बाद खाना वाना खा के जल्दी निकल गए थे, क्योंकि तरावी वगैरह का टाइम होता है तो जल्दी आना होता है। खैर थोड़ा सा लेट हो ही गए थे लेकिन जल्दी आ गए फिर भी। तो अभी ये चलता हूँ यार, ज़रा खाऊँ देखूँ अफ्तारी में क्या था, क्या माहौल है, तो चलते हैं ज़रा अफ्तारी देखते हैं। तो भाई ये कोई ज़रा रिफ्रेशमेंट वगैरह आई थी तो मैंने कहा चलो यार ये देखें क्या है, ये है क्या चीज़ ज़रा देखें। तो मेरे यहाँ बॉक्स बैठी थे, मज़ेदार भी रखी हुई, देखिए इसको जरा खोल के देखें इसमें क्या है। ओहो ये है इसमें एड़े ही पगे, इसको तोड़ते हैं हल्का सा, मजेदार। हाँ तो भाई माहौल कुछ यूं है कि पेटीज वगैरह वो भी सारे खा लिए, उसके साथ जूस वूस भी पिया था, कुछ और चीजें भी खाई थी, क्योंकि भाई भूख बहुत लगी हुई थी इस टाइम, 2 बज रहा है अभी, भूख लगी हुई थी तो भाई ब्लॉग श्लॉग करने का ना दिल ही नहीं किया, तो एंड में मिठाई उठाई वगैरह कुछ मीठा शीठा हो गया, ये सारा काम हो गया। और बाकी ये क्या है, तकरीबन 3 से 4 महीने बाद मैं अपने स्कूल बॉयज़ के साथ मिला हूँ, तो ये सारा माहौल था। और बाकी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो सही है ना, और बेल आइकन भी दबाना तो दबा दो सही है ना। तो ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, ओके हो गया, अल्लाह हाफिज़। एक बार हमारे दोस्त व्लॉग खोल दो इनके सामने यार, पढ़ने वाले बंदे यार क्या हो गया। अच्छा ना बस क्या हो गया, आप बेजता रहे हो हमें पढ़ने वाले हो तुम तो ये तुम क्या कर रहे हो अबे यार, सारे कैमरा शायद सारे बता मुराद में गंदू है।